IMO ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बजट 2018 पर मुंबई के उद्योगपतियों व्यापारियों के लिए एक सेमिनार आयोजित हुई। अरविंद जी टिबड़ेवाल, मनीष जी डालमिया, शहर के कई गणमान्य उद्योगपति उपस्थित थे। बजट चर्चा सत्र आयोजित हुआ जिसमें सुप्रसिद्ध सीए हरीश जी मोतीवाला एवं जाने माने सीए मनीष जी गाड़िया ने अपनी बेबाक राय एवं बजट का विश्लेषण किया। AIMO के महाराष्ट्र बोर्ड के चेयरमैन श्रीकांत जी डालमिया ने शुभ समय को बताया, पहले जी बिलिंग पे किया, उसके पहले बजट पे किया, फिर GST पे किया, और हम अलग अलग फील्ड से लोगों को लाते हैं, इंडस्ट्रियों को हमारे इधर बुलाते हैं ताकि व्यापारी और इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिले। आज का जो कार्यक्रम था जो बजट के ऊपर था, बजट कैसा है, क्या कठिनाई है, कैपिटल गेन पे क्या है, तो मोतीवाला जी हरीश जी ने बहुत अच्छे सुंदर ढंग से डेट वाइज सब बताई, थोड़ा बहुत उन्होंने मनीष गाड़िया जी ने बताया, और आगे भी इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगर आपके व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम आवे तो आप उनको राइटिंग में भेजिए, हम आपको जवाब देंगे, आप अपने क्लाइंट को भेजिए। सुप्रसिद्ध सीए हरीश जी मोतीवाला ने शुभ समय को अपनी बेबाक राय दी। बट वॉट इज द बेनिफिशियल टू द कॉमन मैन, वॉट इज द बेनिफिशियल टू द इंडस्ट्री, आई हैव डिस्कस। ये सोशियो इकोनॉमिक बजट है, अगर ये अमाउंट प्रॉपरली स्पेंट हो गया राइट, तो नेचुरली इट विल ग्रो द इंडिया और इकोनॉमी ऑल्सो विल इम्प्रूव। जो बेनिफिट एग्रीकल्चर इसको दिया है या हेल्थ के लिए दिया है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नहीं दिया है। बट द क्वेश्चन इज इफ़ यू कंसिडर द बजट एज अ होल, इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक बजट और इट विल ग्रो इंडियाज इकोनॉमिक। सीए मनीष जी गाड़िया ने कॉरपोरेट टैक्स पर अपनी राय रखी। एक बजट में इन्होंने चेंज किया है, कॉरपोरेट टैक्स में इन्होंने रिलीफ दिया है। पहले क्या था, जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ होता था, कॉरपोरेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तो उसको 25% इनकम टैक्स देना होता था, जो इन्होंने अभी 50 करोड़ से लिमिट बढ़ा के ये बजट में प्रपोजल है उसको 250 करोड़ रुपया अगर कोई कंपनी का टर्नओवर होगा तो वो 25% टैक्स दे सकती है 30 के बदले इनकम टैक्स में। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है, बहुत ही बढ़िया चेंज है। बट इसके साथ में आपने कंपनीज़ को तो बेनिफिट दे दिया, बट अगर पार्टनरशिप फर्म है या LLP है, वो आज भी अगर उसका टर्नओवर 25 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है तो भी उसको 30% टैक्स देना है। तो जो छोटे और मीडियम की जो बात कही गई पार्लियामेंट में भी अरुण जेटली साहब ने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, तो पार्टनरशिप फर्म और LLP तो और भी छोटे हैं, सो उनको भी ये बेनिफिट एक्सटेंड होना चाहिए 25% वाला। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और ये बेनिफिट दोनों को देना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट सब समय डिजिटल लाइव न्यूज चैनल मुंबई।